हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप सभी का स्वागत है मेरे टेरेस गार्डन में। और ये देखिए कितने अच्छे सदाबहार के फ्लावर खिल रहे हैं इस टाइम पे। और मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से वेजिटेबल लगाई हुई हैं अपने छत बगिया में। तो सबसे पहले ये है मेरे बैंगन के प्लांट। तो उससे पहले जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले जो मैंने डाली है, तो उसका लिंक मैं अपनी एंड स्क्रीन में दे दूँगी, तो आप उसको भी देखिएगा। तो उसके साथ ये देखिए, ये है मेरे लेमन ग्रास का प्लांट, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है और इसको मैं अभी कटिंग करने वाली हूँ, तो उसकी वीडियो भी डालूँगी। और ये है मेरे गावा का प्लांट, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी हेल्दी इसकी ग्रोथ हो रही है और इसमें फ्लावरिंग भी आ रही है, फ्रूटिंग भी हो जाएगी। तो मैं आपको साथ साथ में ही आपको दिखाती रहूँगी अपनी वीडियो में। और इससे पहले आप मेरी वीडियो पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये है इसके साथ फ्लावरिंग प्लांट। और ये है मेरा कलगी का प्लांट, जो कि अपने आप ही इस पॉट में हो गया था, तो मैंने हटाया नहीं, तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है, काफ़ी सुंदर भी लगता है। और उसके साथ है ये मेरा एक और ग्रो बैग, जिसमें मैंने एक बैंगन का प्लांट ही लगाया हुआ है। और ये है मेरा एक और ग्रो बैग, जिसमें ये लास्ट ईयर का मेरा बैंगन का प्लांट है और इसमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग चल रही है, तो मैंने इसको हटाया नहीं है। तो ये देखिए आप कितनी अच्छी इस पर फ्रूटिंग चल रही है, काफ़ी हेल्दी प्लांट है, तो इसको मैं अभी नहीं हटाऊंगी। तो उसके साथ ये है मेरा लेमन का प्लांट, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग चल रही है, फ्रूटिंग के साथ साथ मुझे फ्लावरिंग भी हो रही है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है, लेकिन इसका भी मैंने पॉट इसका चेंज नहीं किया है। तो उसके साथ ये है मेरा एक और, ये है करी लीव्स का प्लांट, तो इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है, तो आप देख सकते हैं। इसको भी मैंने एक पॉट, एक सीमेंट पॉट में लगाया हुआ है और काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। और इसके बाद ये है मेरा एक जैफरी का प्लांट, जो कि मैंने सीड से ही ग्रो किया हुआ है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। और ये है ये दूसरा प्लांट है, तो इसमें देखिए आप इसकी बर्ड्स देखिए कितनी इसमें फ्लावरिंग होने वाली है, तो जब ये फ्लावरिंग हो जाएगी तब भी मैं आपको दिखाऊँगी। और ये मैंने सीड से ही ग्रो किए हुए थे मानसून सीज़न में, तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई थी, तो मैंने सोचा शायद नहीं आएंगे फूल, तो अब इसके नवंबर में ही फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, तो अभी अक्टूबर में सॉरी। तो ये देखिए आप कितने सुंदर फ्लावर हो रहे हैं। और ये है मेरा एक थर्माकोल का प्लांट प्लांटर, तो इसमें भी मैंने सीड्स लगा दिए थे और प्लांट भी लगा दिए थे गोभी के, और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। और मेरा एक और प्लांट है मेरा ये गावा का, तो इसमें अभी तक फ्रूटिंग नहीं हुई है, काफ़ी बड़ा प्लांट है, तो पता नहीं कि इसमें फ्रूटिंग क्यों नहीं हो रही है। तो ये तो लास्ट टू ईयर से इसी पॉट में लगा हुआ है, तो चलो देखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी डालूंगी मैं, और इसमें मैंने नीचे इसके धनिए के सीड्स लगा दिए थे और कुछ टमाटो के। और ये देखिए ये वाला है मेरा एक और बैंगन का प्लांट लास्ट ईयर का, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग चल रही है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और हेल्दी प्लांट है। और ये देखिए आप इसकी भी कटिंग कर दूंगी, ये इसकी जब फ्रूटिंग मैं निकाल दूंगी, हार्वेस्ट कर लूंगी। तो उसके साथ ही ये है मेरे ग्लोई की बेल लगी हुई है इसी में। तो ये है मेरा मिर्ची का प्लांट, ये भी लास्ट ईयर का है और काफ़ी अच्छी मिर्ची आ रही है इसमें, तो इसलिए मैंने इसको कटिंग नहीं की थी। तो बस अब इसके आप लीव्स देख सकते हैं, बिल्कुल पीले पड़ गए हैं, तो बस इसकी लास्ट हार्वेस्टिंग करके तो मैं इसकी कटिंग कर दूँगी, नहीं तो मैं इसमें न्यू प्लांट लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस प्लांट की ग्रोथ कैसी चल रही है। और ये देखिए अगेन मेरे मेथी के प्लांट, जो कि मैंने इस पॉट में लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो आप भी ये सीज़न अपने घर में छोटे छोटे प्लांटर में ही लगाइए, छोटे छोटे पॉट में लगाइए, अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो ग्रीन वेजिटेबल का आनंद लीजिए। और अपने घर की सब्जियों को तो टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, और फुल ऑर्गेनिक की आप लगाइएगा, मैं तो फुल ऑर्गेनिक ही लगाती हूँ, कोई भी केमिकल का छिड़काव नहीं करती हूँ उस पर। और बताइएगा फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। इसके साथ ओके, बाय बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग। गार्डनिंग कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।